ये वाला जो प्याज है ना सर, ये तो छोटा है, इसका फुल साइज 30-40 रुपए का हो जाता है। खाने पीने पर नहीं कर सकते, इसको तोड़ो या काटोगे तो इसमें निकलता है इस तरीके का रेशा। ये जो घुटनों में चिकनाहट जाता है ना, वही कैसे उसे तैयार करता है इस प्याज के रस का तेल। ये वाला अभी चलने फिरने का दर्द है तो लगा के भी सेक कर सकते हैं, इससे तुरंत आराम मिलेगा। पुराना दर्द किसी को वात, गठिया, संधि, सूजन, साइटिका, बैक पेन, शोल्डरों में जो पेन होता है ना, थोड़ा सा गर्म करवा के लगवाना, कितना भी पुराना पेन हो, ऊपर के तब मालिश करवाना, जो जैसा भी पेन होगा वो जड़ से खत्म करेगा। इससे तो दर्द आता है वो आगे की रिपीट नहीं होगी, ज्वाइंट पेन के लिए काम करता है। और ये जटामासी आदिवासी लोग जब हरा ताजा लाते हैं तो इसमें एलोवेरा सा जेल निकलता है। बीटा कैरोटीन तो नहीं होगा आपने, इसका जो जेल निकालते हैं, बाल किसी के झड़ते हो ना, टूटते हैं, डेंडा का प्रॉब्लम है, उसमें नारियल तेल ऐड करके लगाएंगे, बालों का झड़ना, टूटना, डेंडा, प्रोसी, हेयर फॉल, या आसाम में सफेद होते बच्चों के तो उनके लिए काम करता है, हेयर फॉल के लिए सबसे बेस्ट होता है। और दूसरा ये नींबू है, ये तो छोटा है, इसका फुल साइज ककड़ी खीरा लाते हैं घर में, उस बराबर का हो जाता है। लोहे का सही पत्थर डाल देंगे तो 5 दिन के अंदर पिघला जाएगा। और ऐसे 100 नींबू भी काटोगे तो इसमें बीज नहीं मिलेगा। अगर वो कोई पथरी वाला हो आपके यहाँ, 13 महीने तक का पथरी 20 दिनों में क्लियर करेगा ये। और दूसरा ये किसी को थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल या बेली फेट पकड़ में आता है चर्बी, इसमें वजन तोड़ना और फिर खाना, 10 दिन के अंदर 2 किलो और 1 महीने में 5-6 किलो फैट की चर्बी क्लियर करता है, बिना डाइटिंग, बिना परहेज, बस पानी का सेवन ज़्यादा करना। इतना पानी पियेंगे यूएन जाएंगे जो डायलिस है वो बाहर करेगा, और इससे जो फैट जाएगा वो आगे बेली फेट के लिए सबसे अच्छा होता है। और दूसरा पचमढ़ी का फेमस होता है सिलाजी, पहाड़ों का पसीना। इसका तो पचमढ़ी में क्या है, चावल के दाने बराबर टुकड़ा खाना, कल दुगना चलना, हाफी, थकावट, वीकनेस, कमजोरी, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, खून साफ करता है, करीब बच्चों को शक्कर दाने बराबर बराबर चावल ही योग्य दाने बराबर, इम्यूनिटी वीकनेस कमजोरी दूर करेगा तो अस्थमेटिक वालों के लिए सबसे बेहतर है। और दूसरा यूज़ करते तो पचमढ़ी का फेमस होता है सैलड, कभी भी देखेंगे तो ये सब जाएगा ऊपर जाके ऐसे खुल, तो ये सर डावर पतंग निकल लेते हैं ना, कभी पलटा के देखें पिस्टल बन जाए, यह जीवन खराब नहीं होने वाला, ये तो वजन बढ़ाना है, गर्म दूध में वजन घटाना है, गर्म पानी आँखों में लगाएंगे तो रोशनी तेज करता है, कच्चे दूध में देना रात को खाना खाने के बाद, हाइट तेजी से बढ़ाता है, हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन रिलीज करता है, जैसे मार्केट का लेते हैं एक्सपायर हो जाता है, ये आजीवन एक्सपायर नहीं होगा, जितना पुराना उतना अच्छा होता है। और ये किसी को गैस, एसिडी वगैरह सीने में जलन, हड्डी रकार, पेट का डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए काम करता है, गैस कब की बीमारी से दूर करने का काम। और शुगर वाला कोई हो तो ये उनके लिए 7 दिनों में उससे शुगर का टेबलेट बन हो जाता है, 3 महीने इसका कोर्स करा दिया तो 10-12 साल शुगर को मेंटेन करेगा, गोली दवाई लेने की जरूरत शुगर वालों के लिए। और दूसरा ये ड्रॉप है, ये किसी के सर में दर्द होता है ना, सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, साइनस का प्रॉब्लम होता है, ऐसा फिंगर बताए लहसुन का, सर ट्राई करेंगे आप, लहसुन है मैडम जंगली, जैसे घर में लहसुन छीला जाता है ना उंगली पर जलन मारता है, जब वही इतना तीखा है तो फिर ये कितना होगा, ये तेज होता है, थोड़ा तेज होता है, माइंड फिर सकता है, माइग्रेन, साइनस, हेडेक उनके लिए काम करता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उनके लिए काम करता है, ये फेफड़े के लाल सर्कल के लिए, तो मुझसे ऑल इंडिया कुरियर भी मंगा सकते हैं, जैसे ये घर बैठे ऑल इंडिया जाता रहता है, जैसे ये सर ने मंगाया हनी 5 किलो तो ये सर मैं भेजता रहता हूँ, मैं अच्छी चीज़ दूंगा तो फायदा ही आपसे 10 ग्राहक मिलेंगे, और एक बार बेचना नहीं है मुझको, एक बार अच्छी चीज़ दे दूंगा तो आप मार्केट से चीज़ें लेने भी आ गए, मुझसे आप मुझ खुद ही मंगाओगे, ठीक है, तो मेरा कार्ड है, ऐसे लगेगा तो ऑल इंडिया कुरियर के द्वारा भेज सकता हूँ, बस घर बैठे ये मार्केट के आते हैं चीजें, और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत जो लेस रहता है वो कर देते हैं। इसमें इतना नारियल तेल ऐड करना, और रात के टाइम सोते समय कटोरी में निकाला, उंगलियां डुबाई, जड़ों में लगाया, और रात के टाइम सोते समय हफ्ते में 2 बार लगाना आप लोग, तो ये शैम्पू यूज करते हैं ना हफ्ते में 2 बार वैसा लगाना, और ये अभी 250 के का 200 का पड़ेगा आप लोग को, फिर जैसे घर बैठे मंगाएंगे तो 250 का पड़ेगा। और दूसरा ये प्याज का जो तेल बताया था मैंने घुटने कमर के लिए, पुराना दर्द है तो गैस पे गर्म करवा के लगाना, और जैसे ये 300 का है तो अभी 250 का पड़ेगा, हर चीज में अभी 50 रुपये ऑफ है। और जैसे रेयर लहसुन वाला आपको मैंने बताया था माइग्रेन साइनस, ये सुनने से हर चीज़ों पे काम करता है, ये 50 रुपीज़ का है। ये वाला हनी ये बताया था मैंने, वजन कम करना तो गुनगुने पानी में, वजन बढ़ाना तो गर्म दूध में, आँखों में लगा दो तो रोशनी तेज करेगा, जैसे ये 600 लिखा है ना तो इसके 100 रुपीज़ ऑफ है, तो ये 500 का आपको पड़ेगा। ये और शिलाजीत का बताया था मैंने,
इसका तो चावल के दाने बराबर टुकड़ा खाना, दूध कॉफी चाय में, रात को खाना खाने के बाद हफ्ते में एक दो बार, रोज खाने की जरूरत नहीं है। और ये सिलाजी 12 ग्राम है, ये 3 महीने चलता है एक व्यक्ति के ऊपर। बच्चों को शक्कर दाने बराबर, आप चावल ही गेहूँ के दाने बराबर। और इसका प्राइस है 200 का एक तोला, 12 ग्राम ये एक पड़ेगा आपको ये। और दूसरा है ये नींबू का पाउडर जो बताया था, एक्स्ट्रा फैट की चर्बी वाला, इसमें कोई डाइटिंग परहेज नहीं है। पानी का सेवन आपका ज़्यादा है, जितना आप पानी पियेंगे ब्रेन जाएंगे जो कैलोरीज है वो बाहर करेगा। और इसमें खास है वजन तोल के खाना, 10 दिन के अंदर 2 किलो और 1 महीने में 5-6 किलो फैट की चर्बी क्लियर करेगा। ये 350 गया, अभी 300 का पड़ेगा आपको 1 महीने का डोज। शुगर का ये 3 लगते हैं, तो 3 इकट्ठे मुझसे ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले ट्राई करो, जब इससे टेबलेट बन हो जाएंगे विश्वास बन जाएगा। नंबर है मेरे, 2 पैकेट आप कुरियर के द्वारा मुझसे मंगा सकते हो। तो ये सही है, 1 पैकेट 1 महीने का है, तो ये अभी 300 के का 250 का पड़ेगा डायबिटीज का। और ये गैस एसिडी के लिए तो 20 दिन खा लेना, 4-5 साल तक इन्हों पर शुरुआत नहीं पड़ेगी। ऐसे 250 है तो ये 200 का पड़ेगा अभी आपको। ये फेस पैक है, ये आँखों के नीचे कालापन, डार्क स्पॉट, झाइयाँ, एक्ने का प्रॉब्लम, 20 ml कच्चे दूध में 2 ग्राम पाउडर डाल के लगाना, झाइयाँ डार्क स्पॉट एक ही बार में क्लियर करें। और इसे 7 दिन लगा देना, रिपीट नहीं होने लगा, क्लियर हो जाएगा चेहरा। इससे 20 ml कच्चे दूध में लगाना। ये 300 का है तो आपको 200 में पड़ेगा। और दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर वालों का कोई हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट है नाश्ते के बाद खिलाना। और भी बताया था मैंने, ये 20 दिन खिला दिया, पर इसमें पालक इमली टमाटर मत खिलाना 20 दिन, 13 ml तक का पथरी क्लियर कर देता है। और 20 दिन ऐसा है खाना पड़ेगा, ये 400 के का 300 का पड़ेगा। भैया ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसको भी चाहिए वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। फोन नंबर में वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगी।